नमस्कार, मैं हूं विकास रतूड़ी और आप देख रहे हैं टीएनएन उत्तराखंड न्यूज। घंटाकर्ण धाम घंडियाल डांडा में जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण ने घंटाकर्ण और पेयजल पंपिंग योजना का लोकार्पण किया। इस योजना के शुरू होने से मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें, कुइली पट्टी के घंडियाल डांडा स्थित घंटाकर्ण धाम मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु घंटाकर्ण देवता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में 4 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। वर्षों से श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण एवं जिला पंचायत सदस्य रघुवीर सजवाण ने मंदिर में सोलर पंपिंग द्वारा पानी पहुंचाने के लिए घंटाकर्ण सोलर पंपिंग पेयजल योजना का प्रस्ताव रखा। इस योजना के बनने में 2 माह लग गए। शुक्रवार को नए साल पर जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण व रघुवीर सजवाण ने संयुक्त रूप से पेयजल योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि पानी को 2 किलोमीटर नीचे स्थित कखरियाली पानी स्रोत से मंदिर तक पहुंचाना चुनौतीपूर्ण रहा है। योजना पर कार्य करने वाली टीम ने दिन रात मेहनत कर पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। कहा कि इस योजना पर मात्र 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें पानी को 2 सौर पंप के माध्यम से 2 टैंकों में पंप कर मंदिर तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के बनने से नरेंद्र नगर, चंबा, घनसाली, प्रताप नगर ब्लॉकों एवं देश विदेश से मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला पंचायत क्षेत्र में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की छोटी छोटी योजनाएं बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर धाम में पहुंचे 1000 श्रद्धालुओं ने घंटाकर्ण के दर्शन किए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल सिंह सजवाण, मंदिर समिति के अध्यक्ष विजय प्रकाश बिजलवाण, शिव प्रसाद बिजलवाण, कुंवर सिंह रावत, मानसिंह चौहान, अमित सजवाण, ईश्वरी बिजलवाण आदि मौजूद रहे। पहले तो नव वर्ष के समस्त प्रदेशवासियों, जनपदवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान घंटाकर्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जहां तक यहां घंटाकर्ण में सोलर पंपिंग योजना के विचार कैसे आया, तो ये विचार तो आया था यहां पे टंकी बनाने का, परंतु वो मंदिर समिति के अध्यक्ष जो समिति के लोग हैं उन्होंने कहा था कि कुछ और हो सकता है। तो उस समय हमारे मन में विचार आया, क्या कहीं इस इलाके में पानी का स्रोत है। वो पानी का स्रोत हमको मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर नीचे 1700-1600 मीटर लगभग पे मिला था। और यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, लगभग 8 से 9 हज़ार फुट की ऊंचाई पे हम खड़े हैं इस समय घंटाकर्ण धाम में। तो हमने मन में ठानी थी अक्टूबर में कि हम यहाँ पानी चढ़ाएंगे। योजना तो काफ़ी समय पहले से हम सोच रहे थे, परंतु आज तक इस जनपद में क्या उत्तराखंड में किसी भी जिला पंचायत के द्वारा सोलर पंपिंग के बारे में नहीं सोचा गया था। इसके लिए हम अपने जिला पंचायत बोर्ड में प्रस्ताव लाए थे कि हम सोलर पंपिंग योजना बनाएंगे इस जिले में। और उसकी शुरुआत जहां पर आज हम खड़े हैं, यहां पर नरेंद्र नगर और टिहरी विधानसभा और अन्य घनसाली विधानसभा, अध्योप्रयाग विधानसभा, प्रताप नगर विधानसभा, इनके लगभग 45 ग्राम सभाएं जो हैं इन विधानसभाओं की, उन 45 ग्राम सभाओं के लोग इस मंदिर को अपना आराध्य देव मानते हैं और अपने आराध्य देव इष्ट घंटाकर्ण के दर्शनों के लिए वो लोग यहाँ पर आते हैं। और उनको यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। रात को यदि आदमी रुकता तो उसके लिए पानी नहीं था। जैसे अभी मंदिर समिति के सचिव जी बता रहे थे कि मंदिर ही मंदिर के ढुलान में उनका 5 लाख रुपये का सिर्फ पानी पर खच्चरों को देना पड़ा। इतना यहाँ पर पानी की दिक्कत थी। खच्चर तो बल्कि 3 किलोमीटर पूरा घूम के आते थे नीचे से। पानी तो हमारा बीच से चढ़ा, तो इसमें 2 किलोमीटर लाइन लगी, तो खच्चर का रास्ता तो लंबा था। इस प्रकार हमारा जो है यहाँ पर पानी की एक हमने वो ली थी कि मंदिर में आके कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे पानी चढ़ाने की। हमको 3-4 ट्रायल करने पड़े। मैं स्वयं उन ट्रायलों में रहा और अपने सामने ट्रायल भी किए शुरुआत में, परंतु हम एकदम सफल नहीं हो पाए। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी का, अपने जिला पंचायत के अभियंता का, जेईस का और सारे स्टाफ का, और इस मंदिर घंटाकर्ण मंदिर समिति के अध्यक्ष और उनकी समिति, उनका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद टिहरी जिला पंचायत की ओर से देना चाहता हूँ। उन लोगों के
अथक प्रयास से इस बियावान जंगल में ये लाइन आ पाई, नहीं तो मेरे विचार। टीएनएन के लिए यशपाल सजवान की रिपोर्ट।